आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबार। सोहना के नर्व निर्वाचित विधायक कुंवर संजय सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल के गठन के एक महीने बाद सोहना के सभी विधायकों में स्टाफ की कमी को पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि सोहना का विकास गुड़गांव के तर्ज पर होगा ताकि सभी लोगों को तमाम सुविधाएं यहां मिल सके। कुंवर संजय सोहना में चुनाव के बाद लोगों का धन्यवाद करने के लिए सोहना में धन्यवाद रैली में मौजूद थे। उन्होंने दुकान पर जाकर लोगों का धन्यवाद किया। विधायक संजय ने कहा कि विकास के लिए योजनाएं नहीं जज्बात जरूरी होते हैं, सोहना में हर काम पूरा किया जाएगा। मंत्री ने बाद सभी विधायकों में स्टाफ की कमी को पूरा कर दिया जाएगा। हरियाणा में स्टाफ की कमी नहीं है, वहीं उन्होंने कहा कि सोहना का विकास गुड़गांव की तर्ज पर किया जाएगा। इन पाँच वर्षों में लड़कियों का कॉलेज बनवाना उनकी विशेष प्राथमिकता होगी। उन्होंने सोहना के लिए कई योजनाएं भी तैयार की हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि जब से दोबारा भाजपा सरकार बनी है सोहना के अंदर किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध नहीं लग सकती। धन्यवाद रैली करने आया हूं। मैं लोगों से मिलने आया हूं अपने परिवार से, और जो उन्होंने भरपूर समर्थन और सहयोग दिया उसके लिए धन्यवाद कर रहा हूं मैं अपने तरफ से। सर, मैंने पहले भी मेरा जो चुनावी मुद्दे ये रहे जो शहर में जो भी समस्या है, हॉस्पिटलों की हो चाहे कॉलेज की हो चाहे स्कूलों स्टाफ की बात हो, मैं विद इन वन मंथ, अभी थोड़ा सरकार का एक थोड़ा सिस्टम जमने दो, विद इन वन मंथ यहाँ स्टाफ की कहीं कोई कमी नहीं रहना दूंगा चाहे किसी भी डिपार्टमेंट। ये योजना नहीं होती, काम करने का एक जज्बात होता है, काम करने का तरीका होता है। ये कोई योजना उस काम नहीं हुआ करते, इनके लिए क्या योजना बनानी। स्टाफ सरकार में कोई कमी नहीं है, सरकार से ऑर्डर कराएंगे यहाँ पर स्टाफ आ जाएगा। सोना का विकास मैं चाहता हूँ गुड़गांव के विद्युत तर्ज पर हो, जो गुड़गांव में जो मूलभूत सुविधा है वो हमारे सोना के सभी साथियों को मिले, सभी हमारे यहाँ पे लड़कियों कॉलेज की बात है, मैं 100 फ्लैट बनवा दूंगा उसको तरह से मिल करके, जो हमारे बुजुर्ग हैं या जो भी चीज आवश्यक होगी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनवाना है या किसी भी तरह की कोई बात है, मिनी सेक्रेट वगैरह सरकार की सरकार की योजना है ये तो बनेगा, ये तो आम चीजें हैं, लेकिन कोई और भी बड़ी योजना भी बनानी पड़ेगी शहर के लिए, उसके लिए हम सरकार से बिल्कुल उसको पूरा करें। आप देख रहे हैं जब से भाजपा तो सरकार दोबारा जो बनी है, मैं समझता हूँ सोना में किसी प्रकार का कहीं कोई वो नहीं है, बड़े आराम से छत्तीसगढ़ में बड़े आराम से प्यार से रह रहे। सोना से संजय राघव की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।